हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सेक्शन 164 यानी धारा 164 के बारे में, जिसमें दिया गया है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट यानी स्वीकृति और कथनों की अभिलिखित करना। अगर हम इसको छोटे से शब्दों में समझे तो इसको कहा जाता है कि बयानों और बयानों की रिकॉर्डिंग करना। इससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे विधिज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं लॉ से जुड़े अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास। तो धारा 164 की क्यों जरूरत पड़ती है, इसको जान लेना पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो धारा 164 की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब पुलिस को कोई भी अपराध के बारे में जब जानकारी हो तो उसको जांच करने के लिए मिलता है। जांच के माध्यम में वो अभियुक्त को पकड़ती है जो ये अपराध करता है और उससे जानकारी इकट्ठी करती है। लेकिन उसकी जानकारी को पुलिस जो रिकॉर्ड करती है, एक तरीके से देखा जाए तो हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 के तहत उसको मान्यता नहीं दी जाती, तो इसलिए सेक्शन 164 की बहुत जरूरत पड़ जाती है। अब दूसरा ये भी है कि किसी भी मुकदमा को चालू होने से पहले, जब उसकी प्रोसीडिंग जब चालू होती है, तो उससे पहले एक बयान और मजिस्ट्रेट को उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है कि ये जो अपराध है ये सच्ची घटना है या झूठी घटना। अगर सच्ची होगी तो प्रोसीडिंग चालू करेगा, अगर नहीं सही नहीं होगी तो वो प्रोसीडिंग को वहीं रोक सकता है। तो इसलिए ये सेक्शन 164 बहुत जरूरत पड़ता है। इसमें मैं बता दूं कि 6 उपधारा हैं, यानी सब सेक्शन 6 हैं इसमें। अब आइए हम एक एक उपधारा को समझते हैं कि सब सेक्शन क्या क्या कहता है। तो पहला उपधारा यानी सब सेक्शन 1 जो कहता है कि कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपोलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट उस मामले की आधिकारिकता करेगा। यानी पुलिस को, आपने सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो वो किसके सामने पेश करती है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने या जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी जो फर्स्ट क्लास का होता है उसके पास वो पेश करती है। अब इसमें ये भी कहा गया है कि अभियुक्त के वकील के सामने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा बयान का रिकॉर्ड किया जा सकता। अगर न्यायालय को लगता है कि इसकी बयान का रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा किया जा सकता है, वीडियो के द्वारा किया जा सकता है रिकॉर्डिंग करके, तो न्यायालय ऐसा कर सकता है। ये धारा के उपधारा 1 में दिया गया है। अब इसके बाद आता है उपधारा 2 सब सेक्शन 2। यह कहता है कि मजिस्ट्रेट बयान देने वाले व्यक्ति को समझाएगा कि तुम कोई भी जुर्म कबूलने या स्वीकृति देने के लिए आबद्ध नहीं हो, यानी बॉन्ड नहीं हो तुम। अगर तुम अपनी जुर्म कबूलते हो या स्वीकृति देते हो तो तुम्हारी विरुद्ध साक्ष्य एविडेंस के उपयोग में लाई जा सके, और मजिस्ट्रेट ऐसी कोई भी बयान अभिलिखित रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक उसको यह नहीं लग जाता कि बयान देने वाला व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाला गया। यानी सब सेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जो बयान के लिए दर्ज करने के लिए जिसको पेश किया गया है, उस व्यक्ति को बताएगा कि तुम्हारे ऊपर जो अपराध लगा है, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि तुम उसको मानो या ना मानो, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम उसको मानोगे तो तुम्हारे विरुद्ध एविडेंस के तौर पे उसको लाई जा सकती है, उपयोग किया जा सकता है। और इसके बाद जब तक मजिस्ट्रेट को वो रिकॉर्ड नहीं करेगा अपने लिए, जब तक उसको ये न लगे कि कोई दबाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं है, अगर उस व्यक्ति के ऊपर अगर दबाव होगा तो वो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये अपने पूरे जांच पड़ताल करने के बाद उसकी बयान को रिकॉर्ड करे। अब इसके बाद आता है उपधारा 3 सब सेक्शन 3 जो कहता है कि बयान दर्ज यानी किसी व्यक्ति को स्वीकृति करने के लिए किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास हाजिर किया जाता है। अगर वह व्यक्ति बयान देने का इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं भेज, यानी पुलिस जब उसको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करती है और व्यक्ति बोलता है कि मैं इस अपराध के बारे में नहीं जानता, मैं इच्छुक नहीं हूँ इसके बयान देने के लिए, तो मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगी, उसको जुडिशियल कस्टडी में डाली जाएगी, जो हम कहते हैं कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली। तो वो सब सेक्शन 3 के द्वारा ही किया जाता है। अब इसके बाद आता है उपधारा 4 सब सेक्शन 4। यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एग्जामिनेशन एंड परीक्षा के लिए धारा 281 के तहत अभिलिखित किया जाएगा, स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का ज्ञापन लिखेगा यानी फुट नोट तैयार करेगा। अब हम देख लेते हैं कि फुट नोट में क्या क्या होता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमें जरूरत पड़ सकती है कभी भी कि ये फुट नोट कैसे लिखा जाता है। तो आइए हम पहले इसको हिंदी में फुट नोट को देखते हैं। तो इसमें लिखा जाता है कि मैंने नाम जो भी नाम होगा को यह समझा दिया है कि वह स्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है, यदि वह ऐसा करता है तो कोई स्वीकृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य भी उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह स्वीकृति स्वेच्छा से की गई है।
यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई और जिस व्यक्ति ने यह स्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृतांत इसमें है। यानी ये मजिस्ट्रेट अपने तरफ से उसमें फुटनोट तैयार करेगा, एक कथन अपने उस स्वीकृति जब देगा जो बयान दर्ज हो जाएगी उसके नीचे लिखेगा। आइए अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आई हैव एक्सप्लेन टू नेम, जो भी नेम हो, दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक ये कन्फेशन एंड दैट इफ ही डोज सो एनी कन्फेशन ही मे मेक ए मे बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट ही मैन। आई बिलीव दैट दिस कन्फेशन वॉज वॉलंटरली मेड, इट वॉज टेक इन माई प्रेसेंस एंड हेयरिंग एंड वॉज रीड ओवर द पर्सन मेकिंग इट एंड एडमिटेड बाई हिम टू बी करेक्ट एंड इट कंटेन्स ए फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाई हिम। और इसके नीचे मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और उस व्यक्ति से हस्ताक्षर लिया जाएगा। तो इसकी बहुत जरूरी है, अगर किसी भी केस के में अगर ये नहीं होता है, अगर ये फुट नोट तैयार नहीं किया जाता तो माना जाएगा कि वो एक तरीके से जो बयान दर्ज हुआ वो फॉल्स माना जाएगा। और इसमें जो व्यक्ति का जो बयान दर्ज हुआ है उस व्यक्ति का साइन होना बहुत जरूरी है, उसका हस्ताक्षर लेना मजिस्ट्रेट के सामने बहुत जरूरी है। मजिस्ट्रेट भी उस पर साइन करेगा उस फुट नोट पे और जो व्यक्ति ने बयान दिया है उसका भी नोट किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर उस फुट नोट पे अगर साइन व्यक्ति का बयान देने वाले व्यक्ति का दर्ज नहीं होता, साइन नहीं होता, तो अगर वो व्यक्ति बाद में मुकर जाता है तो माना जाएगा कि ये बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब इसके बाद आता है उपधारा 5 सब सेक्शन 5। यह कहता है कि उपधारा 1 के तहत एविडेंस साक्ष्य रिकॉर्ड अभिलेख करने का सही तरीका है तथा मजिस्ट्रेट की राय में मामले के परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शपथ दिलाने की शक्ति होगी, यानी ओथ दे सकता है। अब उपधारा 5 के का है, ये 2013 के अमेंडमेंट में आया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 यानी 354 ए बी सी डी और धारा 376 यानी सेक्शन 376 सब सेक्शन 1, 2 और ए बी सी डी ई और सेक्शन 509 धारा 509 औरत के विरुद्ध अपराध होते हैं तो उसका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है और किया जाएगा। अगर ये कोई भी लेडीज के खिलाफ, औरत के खिलाफ अगर कोई ऐसा अपराध होता है तो ये उपधारा 5 के तहत उसका बयान दर्ज करना जरूरी है। परंतु प्रोवाइड इसमें दिया गया है कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थानीय रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है तो मजिस्ट्रेट अभिलिखित करने के लिए द्विभाषी या विशेष प्रबोधन की सहायता लेगा। यानी जो विक्टिम है अगर वो किसी फिजिकल तरीके से डिसेबल है तो उसको द्विभाषीय यानी कोई और तरीके से भी बयान रिकॉर्ड करवा सकता है मजिस्ट्रेट। इसमें एक और तरीका दिया गया है कि अगर जो द्विभाषीय जो विशेष प्रबंधन के सहायता से जो रिकॉर्ड हो रही है वो एक तरीके से वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा की जाएगी, उसकी तैयारी रिकॉर्डिंग के द्वारा की जाएगी। और मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त जो व्यक्ति है बयान को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 137 के मुख यानी एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 137 में मुख परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले विचारण के समय उसको अभिलिखित रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रति परीक्षा की जा सकेगी यानी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। यानी विक्टिम का जो रिकॉर्ड किया जाएगा, जो बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, अगर उसकी अभिलेख तैयार करने से पहले उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन जो सेकेंड पार्टी है वो कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद आता है उपधारा 6 यानी सेक्शन सब सेक्शन 6। यह कहता है कि जो बयान दर्ज किया जा रहा है अगर वो बयान के अपराध किसी और मजिस्ट्रेट के का मामला है तो फिर भी बयान दर्ज करने वाला मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करेगा जिसके सामने वो मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश किया, पुलिस ने पेश किया। अगर उसके बाहर का वो मामला है फिर भी उस मजिस्ट्रेट का काम है, फर्ज बनता है कि वह उस व्यक्ति का बयान दर्ज करे और बयान दर्ज करने के बाद वो जिस भी मजिस्ट्रेट के मामला है उसको ट्रांसफर कर देगा, वो उस वक्त मना नहीं कर सकता। लेकिन वो महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट होना चाहिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट में
फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होना चाहिए। तो आपको सेक्शन 164 के बारे में मुझे पूरी तरीके से आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप मुझे इस वीडियो के लिए कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और कर सकूं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आप लोग लाइक क्या कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।